सभी को जय मसीह की। आइए हम इस आराधना को शुरू करेंगे, हम कुछ गीतों के साथ गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं।
यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को सलाम कहता हूं। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने फिर से मुझे और आपको अपनी दया में, अपने अनुग्रह में और अपनी करुणा में होकर ये अवसर दिया कि हम
परमेश्वर के वचन की संगति कर सकें, उसकी आराधना कर सकें और वचन के आईने में एक बार फिर अपने अपने जीवनों का मूल्यांकन कर सकें। मेरे प्रियो, ये सच है कि पिछले 67 डेज से वैश्विक महामारी कोरोना संकट के कारण हमारे देश में पिछले 67 डेज से लॉकडाउन है और हम सभी अपने अपने घरों में पाए जाते हैं, लेकिन धन्यवाद दें, परमेश्वर का वचन हमें इन परिस्थितियों में हियाव दिलाता है, प्रोत्साहन प्रदान करता है। और हम धन्यवाद दें परमेश्वर को एक बार फिर आज के दिन के लिए, जो उसने अपनी दया में, अपने अनुग्रह में हमारे और आपके जीवन में दिया कि हम थोड़ा सा समय उसके वचन के संग व्यतीत करें, सीखें कि प्रभु इन दिनों में हमें क्या सिखाना चाहता है। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर हम यीशु मसीह के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने हम पे अनुग्रह किया कि प्रभु हम आपके भवन में आपके वचन को सुन सकें, सीख सकें। और प्रभु, हम सच में अपने जीवनों से आपको महिमा देने वाले बन सकें। इस संपूर्ण समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, संपूर्ण कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक प्रियजन को जो प्रभु तेरे वचन को सुन रहा है। प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपका आत्मा आपके वचन की सेवा हमारे मध्य में करने पाए, आपका आत्मा हमें से हर एक की सहायता करने पाए कि जब आपका आत्मा आपका वचन हमारे मध्य में बांटे, प्रभु हम आपकी आत्मा के द्वारा आपके वचन को सीखें, समझें और अपने हृदय में रखने पाएं। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, मेरे संग खोलें परमेश्वर के वचन से यूहन्ना जी सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 20 पद। मेरे संग खोलें परमेश्वर के वचन से यूहन्ना जी सुसमाचार उसका जॉन गॉस्पल चैप्टर 17 वर्स 20। यूहन्ना 17:20, इस ये महायाजक की प्रार्थना कही जाती है, हाई प्रीस्ट प्रेयर बाय यीशु मसीह के द्वारा। तो वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की ये महाजी की प्रार्थना हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद संसार के मुक्तिदाता, संसार के उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए उसने यह प्रार्थना की, मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास लाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तिमोथी 2:4 में, और परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को अर्थात यीशु मसीह को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करता है। परमेश्वर का वचन एक पापी को मन फिराने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन यहां कुछ कंडीशन लगी है, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा अर्थात शिष्यों के द्वारा, आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन को बांटे जाने के द्वारा जो लोग प्रभु पर, यीशु मसीह पर विश्वास लाएंगे,
यीशु मसीह उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जॉन 5:17 में, यूहन्ना 5:17 में, मेरा पिता अब तक काम करता है इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है इब्रानियों 7:25 में, इसलिए जो कोई यीशु के द्वारा, उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए प्रार्थना करने को सर्वदा तैयार है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस क्रूस पे केवल काम करके वो शांत नहीं हो गया, आज भी वो मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। लेकिन एक कार्य उसने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, मुझे और आपको दिया हुआ है, और परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो कार्य जो मुझे और आपको दिया गया है हम उसे करने वाले बन सके। हम कुछ जीवनों को देखेंगे, कुछ बातों को देखेंगे आज कि किस प्रकार हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के उस महा आदेश का पालन कर सकते हैं, किस प्रकार इस कथन पर में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, या ऐसे पूछें क्या इस कथन में मैं या आप पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, हम कुछ जीवनों को देखेंगे और उनके जीवनों के द्वारा हम अपने अपने जीवनों का मूल्यांकन करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के उस महा आदेश का पालन कर सकते हैं, कैसे हम इस कथन में सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, पहला व्यक्ति हम देखेंगे मूसा के बारे में। मूसा राजघराने में पाला गया, 40 वर्षों तक राजघराने में पालन पोषण हुआ, लेकिन उसके उस प्रांत हम पाते हैं परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए उसे, अपनी सेवा के लिए 40 वर्षों तक बयाबान में सिखाया। 40 वर्षों तक परमेश्वर ने उसे एकांत में सिखाया कैसे उसे एक बड़ी सेवा करनी है। मेरे भाइयों और बहनों, हम निर्गमन की पुस्तक में जाएं, हम पाएंगे जब अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, कैसे परमेश्वर ने अपने आप को उस पर रिवील किया। निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 4 पद में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अपने आप को उस पर रिवील करना चाहा, प्रकट करना चाहा, तो परमेश्वर ने उससे कहा मूसा मूसा। मूसा ने आज्ञा दिया, क्या आज्ञा। मूसा ने आज्ञा दिया परमेश्वर को, क्या आज्ञा। और हम पाते हैं उसके बाद परमेश्वर ने किस प्रकार 40 लंबे वर्षों तक अपनी निज प्रजा इज़राइल की अगुवाई में उसको इस्तेमाल किया, और उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं साक्षी दी, गवाही दी। गिनती की पुस्तक 12:3-4 में कि पृथ्वी पर उसके ऐसा नम्र व्यक्ति दूसरा कोई नहीं। हाँ मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो राजघराने में
पाला पोसा गया 40 वर्षों तक, और 40 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक बयाबान में वो अपने भेड़ बकरियों चराता रहा, और 81 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए उसे बुलाया और झाड़ी में से उसको दर्शन दिया। और जब परमेश्वर ने उसे कहा मूसा मूसा, मूसा परमेश्वर की वाणी के प्रति संवेदनशील था। उसने नहीं पूछा कौन, क्या बात है, उसने एक बात कही, क्या आज्ञा। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे भी इन 67 लॉकडाउन पीरियड में कई बार उसने अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करनी चाहिए होगी। हम अपने आप से पूछें, लेकिन कितनी बार हमने उसको रिस्पांस दिया, कितनी बार हमने उस परमेश्वर को रिस्पांस दिया। शायद हम परमेश्वर को बोलने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि अक्सर जब किसी से पूछो वचन पढ़ते हैं आप, जब ये देखिए हम झूठ तो नहीं बोलते, हमें समय नहीं मिलता, हम प्रार्थना कर लेते हैं, अर्थात हम ही बोलते रहते हैं हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कि सुनना नहीं चाहते। लेकिन मूसा ने कहा क्या आज्ञा, और परमेश्वर ने उसे एक लंबी सेवा के लिए तैयार किया और इस्तेमाल किया। हम उसके विषय में पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय में, हम पढ़ते हैं कुछ वचन 25 से लेकर 27 पद में, कुछ परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार हमसे कहता है। इब्रानियों उसके 25 11 अध्याय के 25 से 27 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से मूसा को परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मेरे प्रियो, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। 27 पद इस प्रकार कहता, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हां मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस सेवक के द्वारा कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी परमेश्वर से, और क्योंकि वह अनदेखे को माने देखता हुआ दृढ़ रहा। शायद हम और आप आज के समय में विश्वास की परिभाषा कुछ इस प्रकार करते हैं कि जो हमें दिख रहा है सर उसी पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन मूसा के जीवन से हम सीख सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने जब झाड़ी में से उसको पुकारा मूसा मूसा, मूसा ने जवाब दिया क्या आज्ञा। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हमारे कान परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो। दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं, परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को छुना जिसकी मां बांझ थी। परमेश्वर ने से उसने एक पुत्र मांगा और कहा अपनी पीड़ा में, प्रभु तू हमें एक पुत्र दे और वो पुत्र मैं तुझे वापस कर दूंगी।
और हम पाते हैं परमेश्वर ने उस दुखियारी बांझ स्त्री की प्रार्थना को सुना, उसको बेटा दिया उसकी इच्छा अनुसार, और वो स्त्री भी अपने कथन के अनुसार विश्वास योग्य रही और उसने जाकर परमेश्वर के भवन में उस बालक को दे दिया। पहला सैमुएल 3:10 में हम जाएं, 1 पद से आरंभ होता है लेकिन 10 पद में जाएं, वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब परमेश्वर ने उसको फिर पुकारा, सैमुएल सैमुएल, सैमुएल ने उत्तर दिया, कह तेरा दास सुनता है। हां मेरे प्रियो, हम दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं, वो कहां पाया गया? परमेश्वर के भवन में पाया गया, इसलिए उसने परमेश्वर की वाणी को पहचान लिया और उसने कहा, कह तेरा दास सुनता है। और इस कारण परमेश्वर ने उस बालक को अपने अनुग्रह डील लॉ में बढ़ाकर इज़राइल का न्यायी बनाया और उसके साथ साथ राजाओं का अभिषेक करने को उसको चुना। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की वाणी को सुनकर प्रत्युत्तर में यह जवाब दिया, कहे तेरा दास सुनता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 67 डेज की अगर हम बातचीत करें, इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय में कितनी बार मैंने और आपने परमेश्वर की वाणी को सुना और सुनने के बाद कहा हो, कह तेरा दास और तेरी दासी, तेरा बेटा और तेरी बेटी सुनते हैं। हम अपने आप से पूछें, और हम पाते हैं परमेश्वर ने सैमुएल के रिस्पॉन्स के बाद किस प्रकार उसको एली के रहते हुए भी चुनकर राजाओं का अभिषेक करने का गौरव प्रदान किया। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, जैसा हमने यूहन्ना 17:20 को देखा कि मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास लाएंगे। हम अपने आप से पूछें, इन 67 डेज में हमने कितनी बार परमेश्वर के वचन को सुना, मूसा और सैमुएल के समान कहा हो, क्या आज्ञा, कह तेरा दास सुनता है, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए, अपने वचन की सेवा के द्वारा दूसरों के लिए इस्तेमाल किया हो। हम अपने आप से पूछें। तीसरा व्यक्ति हम देखें, यशा की पुस्तक उसके 6 के आरंभ से लेकर 8 तक, ऐसा यशा ने अपने आप को पहचान लिया, अपने जीवन की वास्तविकता को पहचान लिया कि मैं अशुद्ध ओंट वाला हूं और मैं अशुद्ध ओंट वालों के सब मध्य में रहता हूं। हाँ मेरे प्रियो भाइयों बहनों, उसने अपने जीवन की वास्तविकता को पहचान लिया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, और इसलिए
यशा ने कहा, मैं अशुद्ध ऊंट वाला हूं और अशुद्ध ऊंट वालों के मध्य में रहता हूं, बीच में रहता हूं। आठवें पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, यशा 6:8, और उसने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर ने यशा से यह कहा, हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं? यशा ने जवाब दिया परमेश्वर को, मैं हूं, मुझे भेज, मैं यहां हूं, मुझे भेज। और हम पाते हैं उस यशा भक्तता को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। हम सारी उस पुस्तक को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कैसे यीशु मसीह के जन्म के बारे में और सारी बातें वहां पाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, पहली बात जो यशा ने अपने आप को पहचाना कि वो अशुद्ध ओट वाला है और अशुद्ध ओट वालों के बीच में रहता है। और आठवें पद में कुछ इसी प्रकार लिखा है, हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं, परमेश्वर पूछ रहा है। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, यशा ने अपने आप को वॉलंटियर किया, यशा ने अपने आप को अवेलेबल किया, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। एक व्यक्ति ने कहा, क्या आज्ञा, और परमेश्वर ने उसे 40 वर्षों तक अपनी प्रजा की अगुवाई के लिए इस्तेमाल किया। एक बालक ने जो परमेश्वर के भवन में पाया जाता था, उसने परमेश्वर की वाणी को सुना और कहा, कह तेरा दास सुनता है। तीसरे ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस महज की प्रार्थना में John 17:20 में यही कह रहा है, मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो संसार में पाए जाते हैं, कि वे इनके वचन के द्वारा, आपके और मेरे वचन के द्वारा यीशु मसीह पे विश्वास लाने वाले बन सके। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन के में आपके आईने में अपने अपने जीवन का मूल्यांकन करें मेरे प्रियो, कि इस वचन के इस कथन में मैं और आप पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। और इसलिए दूसरा तिमोथी उसके 3:9 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, और परमेश्वर और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, जैसा बहुत लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि कोई नष्ट ना हो परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि प्रभु के आगमन में देरी हो रही है तो उसका कारण यही है, वो धीरज धरता है आपके और मेरे और असंख्य लोगों के विषय में, और नहीं चाहता कि कोई प्राणी नाश हो,
परंतु हर एक को परमेश्वर का वचन सुनने के बाद मन फिराव का अवसर मिल सके और वो उद्धार प्राप्त कर सके। लेकिन प्रश्न यही उठता है, क्या हमने पश्चाताप किया है? क्या हमने मन फिराया है? हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बार बार मुझे और आपको स्मरण दिलाना चाहता है और चाहता है कि हम सच में उसके वचन के द्वारा उस परमेश्वर को जानने वाले बने, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बने, उसके वचन के अनुसार उसके वचन की सेवा करने वाले बने। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय के 16 पद में, जॉन चैप्टर 10 वर्स 16, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, उनका भी इस भेड़शाला में लाना अवश्य है, तब वो मेरा वचन शब्द सुनेंगी। मेरे प्रियो, कौन उन्हें सुनाएगा? कौन उन तक सुसमाचार लेके जाएगा? हमने तीन लोगों के विषय में सुना। मूसा, उसने कहा क्या आज्ञा? सैमुएल, बालक ने कहा कह तेरा दास सुनता है। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा मैं अशुद्ध ओठ वाला अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं, और जब परमेश्वर ने उससे कहा हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं, यशा ने जवाब दिया प्रभु मैं यहां हूं मुझे भेज। उसने अपने आप को वॉलंटियर किया, उसने अपने आप को उपलब्ध किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन 67 लॉकडाउन डेज में कितना समय हमने परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनने में व्यतीत किया? कितनी बार परमेश्वर ने हमसे बात की या करना चाहा और हमने रिस्पांस में कहा क्या आज्ञा, कह तेरा दास सुनता है, तेरी दासी सुनती है, और कितनी बार कहा प्रभु मैं हूं मुझे भेज। शायद दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, हम में से बहुतों का एडमिशन व्हाट्सएप इंडस्ट्री में हो चुका है। हम में से बहुत लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में दाखिला एडमिशन लिया हुआ है, और हमें टाइम नहीं मिलता कि परमेश्वर के इस वचन के संग समय व्यतीत करें। भाई हम झूठ नहीं बोलते, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हम झूठ नहीं बोलते, मैं झूठ नहीं बोलती, कोई ना कोई व्हाट्सएप में मैसेज भेज देता है और मैं उस वचन को पढ़कर प्रार्थना कर लेता हूं, कर लेती हूं बस। आखिर परमेश्वर का वचन ही तो है ना। मुझे एक घटना याद आती है, अभी हाल की घटना है, लॉकडाउन के समय की घटना है। एक हमारे प्रियजन ने, उनके पास व्हाट्सएप में किसी के द्वारा कोई संदेश आया, कोई पद लिख के आया, उन्होंने खोला उस पद को देखा और उन्होंने किसी अपने प्रियो को उसी चीज को फॉरवर्ड कर दी, पोस्ट कर दिया, और उनके उस प्रियजन ने उसको पढ़ा और तुरंत उनको कॉल, उनसे पूछा
जो वचन आपने पोस्ट किया है वो तो वहां नहीं पाया जाता है। कहां से आपने पोस्ट किया? वो हमारे प्रिय बहुत घबरा गए, उन्होंने खोल के ढूंढा तो वो वहां मिले ही नहीं उनको। और तब उन्होंने किसी और शहर में रहते हैं मुझे फोन किया और मुझसे कहा, भैया कुछ मुसीबत, कुछ बात हो गई। हमने, क्या हो गया? अरे किसी ने मुझे गुड मॉर्निंग पोस्ट किया था, एक बाइबल वर्स पोस्ट की थी, मैंने उसको अपने किसी प्रियजन को, बड़े जन को पोस्ट कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। और जब उन्होंने पढ़ा, कहा ये तो वचन वहां पाया ही नहीं जाता, ये कौन सा वचन है? अब मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया। मैंने कहा क्या करूं, जवाब तो देना ही है ना, इसलिए मैंने कहा बेस्ट ऑप्शन है आपको फोन करता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु की आत्मा ने मेरी सहायता की, तुरंत मैंने उनको बताया ये वचन यहां लिखा हुआ है। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, जैसे मैंने पहले कहा, अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुतों का एडमिशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हो चुका है, और जो कुछ व्हाट्सएप में आता है उसी को हम दूसरों को भेज देते हैं, उसी पर हम वार्तालाप करते हैं। हमें पता भी नहीं कि क्या आया, कहां से आया, कितना ऑथेंटिक है, क्या है, और उसे फॉरवर्ड कर दिया, उसी पे हम जी रहे हैं सर। और इसलिए सर हमारे पास वो समय नहीं है कि हम मूसा के समान कहने पाए क्या आज्ञा, सैमुएल के समान कहने पाए कह तेरा दास सुनता है, यशा के समान कहने पाए मैं यहां हूं मुझे भेज। हां मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शायद हमारा और आपका जन्म एक मसीही परिवार में हो गया है, हम किसी बड़ी कलीसिया के सदस्य हैं, कमेटी में हैं, और साथ सोचते हैं इतना ही हमारे लिए काफी है, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। शायद हम बड़ी भूल में हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसके 9 पद में कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता, जैसा बहुत से लोग सोचते हैं, समझते हैं, परंतु वो तुम्हारे विषय में इसलिए धीरज धरता है कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश नष्ट हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, रिपेंटेंस मस्ट, रिपेंटेंस हमारे आत्मिक जीवन में प्रवेश करने की प्रथम सीढ़ी है। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 31 पद में 31 और 32 पद में कुछ इस प्रकार किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 31 और 32 पद में उसने इस प्रकार कहा, प्रार्थना की, शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुम सभी को मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की नाई फटके। शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुम सभी को मांग लिया है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। लेकिन 32 वर्स लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 32 पद में परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कुछ इस प्रकार यौन पत्रस से कह रहा है, परंतु पत्रस, मैं तेरे लिए विनती करता हूं, मैंने तेरे लिए विनती की है, प्रार्थना की है कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हां मेरे प्रियो भाइयों बहनों, क्योंकि यीशु मसीह ने पत्रस के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए इनकार करने के बाद जब वो फिरा तो हम पाते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 41 वर्स में उसके पहले ही संदेश में
3000 से ज्यादा लोग मन फिराकर उद्धार प्राप्त किया। जैसा यीशु मसीह ने कहा लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 32 पद में, पतरस मैंने तेरे लिए विनती की है कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करेगा। और हम पाते हैं यीशु मसीह की वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई और पतरस के द्वारा प्रारंभिक कलीसिया किस प्रकार बढ़ती गई। और केवल वही नहीं, प्रेरितों काम की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 31 पद में लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर चुके और तब जहां वे इकट्ठा हुए थे वो स्थान हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और उसके बाद जो हुआ वो सुनिए क्या लिखा है, प्रेरितों काम पुस्तक 4 अध्याय 31 पद, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन बड़े हियाव के संग अर्थात बोल्डनेस के संग प्रचार करते रहे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो पत्रस जिसने इनकार किया था जब वो फिरा और हम पाते हैं प्रार्थना में उसने समय व्यतीत किया और पवित्र आत्मा जब उतरा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर परमेश्वर के वचन की घोषणा परमेश्वर के वचन का प्रचार बड़े हियाव के संग करने लगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछना चाहता मेरे प्रिय भाई बहन, इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय में जबकि पिछले 67 डेज से हम अपने अपने घरों में पाए जाते हैं, कितना समय हमने परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना में व्यतीत किया है, कितना समय हमने परमेश्वर के वचन को सुनने में व्यतीत किया है, कितनी बार परमेश्वर ने अपने प्लान को अपने पर्पस को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहा और हमने रिस्पांस में उसके परमेश्वर को के वचन को सुनकर मूसा की तरह कहा हो क्या आज्ञा, सैमुएल के समान कहा हो क्या तेरा दास सुनता है, और यशा के समान कहा हो मैं यहां हूं मुझे भेज मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपसे मुझसे पूछना चाहता है इन 67 लॉकडाउन पीरियड में देश में हमारे कान परमेश्वर की वाणी के प्रति कितने संवेदनशील रहे हैं। और इस वचन को कि मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास लाएंगे। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने अपने आप से पूछें कि मेरी इतनी आयु हो गई है, कितने जीवन सुसमाचार को सुनने के द्वारा जो मैंने या आपने किसी को सुनाया हो और वो जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ हो, वो जीवन यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा उद्धार प्राप्त किया हो, क्या एक भी कोई व्यक्ति याद आता है आपको या मुझे वो कहने पाए या यीशु मसीह कहने पाए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लुका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 41 और 42 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, ल्यूक चैप्टर 19 वर्स
41-42। और जब यीशु मसीह नगर के निकट आया तो उस नगर को देखकर रोने लगा। मेरे प्रिय, वो नगर कौन था? यरूशलेम था। जब वो नगर के निकट आया तो नगर को देखकर रोने लगा। और उसने कहा, भला होता कि तू इसी दिन में इन कुशलता की बातों को जान जाती। लेकिन अब ये बातें उससे दूर हो गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इस विशेष अनुग्रह के द्वारा समय, जो वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय में 67 डेज से जब हम अपने घरों में पाए जाते हैं, एक विशेष अनुग्रह का समय दिया कि ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन को देखकर भी रो रहा है और कह रहा है, काश इसी दिन में तू कुशलता की बात जान लेता। मेरे प्रियो, हमें से हर एक को एक दिन उसके सम्मुख खड़ा होना है। क्योंकि प्रभु चाहता है कोई नाश ना हो। यदि भेजे ना जाए तो प्रचार कौन करेगा? यदि प्रचार ना करें तो वचन कौन सुनाएगा? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आज मुझसे और आपसे पूछना चाहता है, इस कथन में मैं और आप पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? प्रभु दया करे, प्रभु अनुग्रह करे कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने अपने जीवनों का मूल्यांकन कर सकें। अभी कुछ ही दिन पूर्व मैं किसी पास्टर की बेटी से परमेश्वर के वचन को बांट रहा था और बांटते बांटते एक दिन मैंने उनसे पूछा, आपने यीशु मसीह को कब जाना? जो मुझे आशंका थी वही जवाब आया, अरे हम तो बचपन से ही उसी माहौल में बढ़े हैं। अर्थात उनके पास कोई वो अनुभव नहीं था जब परमेश्वर को उन्होंने पश्चाताप के द्वारा एक्सेप्ट किया हो जाना। हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसीह घराने में जन्म तो ले लिया, किसी चर्च की मेंबरशिप भी ले ली, लेकिन अभी तक वचन को सुनकर रिपेंटेंस के अनुभव से नहीं गुजरे हैं। प्रभु दया करे, प्रभु अनुग्रह करे कि हम खुद भी प्रभु को जान जाए और इस कथन में सम्मिलित हो जाए जो यीशु मसीह की महाजी की प्रार्थना है कि मैं इनके लिए नहीं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरे और आपके वचन के सुनने के द्वारा, सुनाए जाने द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास लाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें, प्रार्थना करें ताकि जब हम प्रभु के सम्मुख खड़े हों तो हम लज्जित ना हो, परंतु प्रभु के द्वारा
रिवॉर्ड पाने वाले बन सकें। भजनकार बहुत सुंदर कहता है भजन 119 के 19 पद में, साम 119 के 19 में, मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञा मुझसे छुपाए ना रख। हाँ मेरे प्रियो, ये बात हम आप जान ले, इस संसार में इस पृथ्वी पर हम परदेशी हैं, इसलिए प्रभु चाहता है कि मेरे और आपके पास एक स्वर्गीय दर्शन पाया जाए। उस स्वर्गीय दर्शन में होकर हम प्रभु के राज के लिए इस्तेमाल होने पाए। हम अपने जीवनों का समर्पण करें, पश्चाताप करें और प्रभु के महा आदेश का पालन करें, वचन की सेवा करें। हमारे पास बहुत सारे साधन है अपने घरों से बैठकर भी, ताकि बहुत से जीवन यीशु मसीह के कथन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार, हमारे और आपके द्वारा सुने वचन के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बन सके। हम प्रार्थना करें, हमसे प्रेम करने वाले हमारे सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि फिर से आपने हम पे दया की, फिर से आपने हम पे अनुग्रह किया और हमें यह पल दिया कि हम आपके वचन को सुन सकें। प्रभु हमें क्षमा करें, हम पे दया करें, हम पे अनुग्रह करें और हमारे जीवनों को प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रकाशित करें, कि हम जिन्होंने अब तक अपने जीवन का समर्पण नहीं किया, हमें से उन्होंने जिन्होंने अब तक अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, वे प्रभु तेरी ओर लौट सकें और तुझे अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकें, जान सकें और प्रभु इस महाजी की प्रार्थना में सम्मिलित होकर आपके महाआदेश का पालन कर सके और इस भारत को प्रभु तेरे वचन के द्वारा तेरे राज में लाने का इस्तेमाल कर सके। प्रभु इस कलीसिया पे तेरी दया की दृष्टि बनी रहे, कि शालोम की कलीसिया का हर एक घराना प्रभु उद्धार के आनंद से परिपूर्ण होने पाए, इस कलीसिया का हर एक घराना प्रभु आपके उस महाआदेश का पालन करने वाला बने, ये कलीसिया प्रभु एक बच्चे देने वाली कलीसिया बन सके। इस कलीसिया के पासवान पे तेरा अनुग्रह हो, उनकी सेवा पे तेरा अनुग्रह हो, उनके घराने पे तेरा अनुग्रह हो, अपने पास दास पर प्रभु तो अपने आत्मा का अभिषेक उंडे, ताकि आने वाले दिनों में तेरा दास उस अभिषेक में होकर तेरे वचन की सेवा शालोम की कलीसिया में कर सके, इस पीजीआई क्षेत्र में कर सके और इस भारत वर्ष में कर सके। हर एक बात तो करे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जिसने सामर्थ्य संग हमारे मध्य में आपके जीवनदायक वचन की सेवा की। प्रभु होने दे ये वचन हमारे हृदयों में अधिकाई से बसने पाए और हमें से हर एक इस वचन के अनुसार 100 गुना फल। सारा धर्म महिमा आपको देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के संग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम होके मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन।